हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेरों बधाई। दोस्तों आज द पैराडाइज पब्लिक स्कूल अदाली खाल में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है, जिसमें कि नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारी बढ़िया धूमधाम से चल रहा है इस समय। दोस्तों मैं इस विद्यालय का पूर्व छात्र रह चुका हूँ, मैंने इसी विद्यालय से पाँचवीं क्लास तक पढ़ाई की है। आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, आज मुझे बहुत दिनों के बाद अपने बचपन के स्कूल में आने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ दिन भी क्या दिन थे, जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे। दोस्तों आज यहाँ पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली पहुँच चुकी है आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट। निवेदन करूंगा सभी लोगों से यथावत अपने स्थान पर पहुंच खड़े होकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। हमारी जो संस्कृति होती है, जो हमारी परंपरा होती है, हमारे जो अतिथि हमारे बीच पहुंचते हैं, उनका स्वागत अपने स्थान पर खड़े होकर करें। एक बार पुनः समस्त क्षेत्रवासियों अदाली खाल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अभी हमारे बीच में पहुंचे पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि बड़े भाई मनोज खर्तवाल जी, आपसे भी निवेदन है कि आप ही मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करने की कोशिश करेंगे और उनके साथ पहुंचे क्षेत्र के जो तमाम जन मुद्दों को समय समय पर अपने अखबार के माध्यम से उठाते हैं। समाज सेवी बड़े भाई हरीश रावत जी दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता धुमाकोट में है और एक कुशल सामाजिक श्रोताओं से जुड़े हुए व्यक्तित्व है, तो मैं सभी का दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे संचालित करने के लिए मैं अपने छोटे भाई डॉक्टर सोन से निवेदन करूंगा कि वो आगे का संचालन करें। क्षेत्रवासियों को और सभी कृष्ण भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपका अपना विद्यालय द पैराडाइज पब्लिक स्कूल, आज कृष्ण जन्माष्टमी का ये महापर्व छोटे बच्चों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कमलेश कंडारी जी के शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन, दीप ज्योति परम ज्योति दीपम ज्योति जनार्दन दीपो हरत पापम दीपो ज्योति नमस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपम हरत पापम दीपो नमस्तुते। तो आज के मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन और इस कार्यक्रम का शुभारंभ
जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो अपने इष्ट देवों का आह्वान करते हुए दीप प्रज्वलित करते हैं माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में और माँ सरस्वती के श्री चरणों में दीप प्रज्वलन करते हुए विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि उनके साथ पूरा स्कूल स्टाफ इस स्वाभाविक क्षण पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और साथ में पूरा देश आज कृष्णमय हो रखा है। सभी अतिथियों का सभी भक्तों का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपके अपने विद्यालय में। प्रज्वलन का कार्यक्रम संपूर्ण होता हुआ शुभारंभ इष्ट देव को याद करते हुए और मां सरस्वती के पावन चरणों में दीप प्रज्वलन होता हुआ दीप प्रज्वलित होता हुआ भगवान कृष्ण की माता कमलेश कन्नर जी का मालार्पण से स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ स्वागत आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच परमादरणीय श्रीमान कमलेश कन्नर जी। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा स्कूल के अध्यापक श्रीमान धनपाल जी से कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान जी प्रबंधक जनता इंटर कॉलेज अंदरौली निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्रीमान शिषपाल सिंह रावत जी का सामाजिक कार्यकर्ता भी है लगातार। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच श्रीमान मनोज खटकोल जी हमारे बीच बैठे हैं पूर्व सैनिक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। श्रीमान प्रतिपाल पंडवा जी से मैं निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे श्रीमान खटकोल जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान पद्मेंद्र सिंह कसवाल जी। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हरेंद्र राव हरेंद्र नेगी जी से कि माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे श्रीमान पद्मेंद्र सिंह कसवाल जी का तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्रीमान पद्मेंद्र सिंह कसवाल जी का। इसी के साथ हमारे बीच उपस्थित थे वरिष्ठ पत्रकार क्षेत्र के श्रीमान हरीश रावत जी। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान धनपाल जी से अध्यापक की माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे आप श्रीमान हरीश रावत जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हैं रावत जी और वरिष्ठ पत्रकार भी इस क्षेत्र के लगातार अपने पत्रकार से माध्यम से मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित है पूर्व अध्यापक श्रीमान अनूप असवाल जी आपसे निवेदन की मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी बीच में हमारे बीच पहुंचे हैं प्रधानाचार्य श्रीमान मनवर सिंह रावत जी कलिंग काल से निवेदन आपसे कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मनवर सिंह रावत जी प्रधानाचार्य कलिंग काल हमारे मध्य पहुंचे हैं प्रवक्ता अनिल कुमार भौतिक विज्ञान कोचार से निवेदन आपसे सर कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी बीच हमारे बीच पहुंचे हैं श्रीमान शंभु चौहान जी जो अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय सतना में आपसे भी निवेदन सर कि मंच पर आप आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी बीच हमारे मध्य पहुंचे हैं श्रीमती गीता जी जो प्रवक्ता है अंग्रेजी कोचार में निवेदन आपसे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पहुंचे हैं श्रीमती मीना चंदोला एलटी हिंदी कोचियार से तो आपसे भी निवेदन कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व अध्यापक अनूप सिंह असवाल जी पहुंचे हैं आप माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे।
ठीक है सर। आशीष देव पांडे जी प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज अदाली खान से एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत है गुरु जी का। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान किशन सिंह गुसाई जी से कि आप माल्यार्पण करके करेंगे प्रधानाचार्य आशीष देव पांडे जी का स्वागत गुरु जी का। हेलो, हमारे बीच उपस्थित है प्रधानाचार्य मनमोहन सिंह रावत जी। श्रीमान जीवन लाल जी से माल्यार्पण करके आप स्वागत करेंगे उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मनोज स्टार अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आमंत्रित है आप। मनोज स्टार यूट्यूब चैनल अपने चैनल के माध्यम से ये इन पहाड़ों की सारी खबर को आपके बीच तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो अपने इस छोटे भाई का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और मैं निवेदन करूंगा इस स्कूल के अध्यापक श्रीमान धनपाल जी से कि माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे आप मनोज स्टार यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग लगातार इनकी खबरों को देखते रहते हैं और पूरा सहयोग करते हैं पूरे क्षेत्र में, चाहे नैनडान ब्लॉक हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, लगातार कोरदार हो, पौड़ी हो, नैनडान हो, दिगोली खाल हो, हवा देवी हो, सब जगह अपनी सेवाएं देते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुति दिखाते हैं YouTube के माध्यम से। आमंत्रित करता हूं आपको मंच पे भगवान कृष्ण और राधा की पालकी को झूला झुलाने के लिए। प्रभु राधा कृष्ण की शिष्य सिंह राव जी से कि आप ही प्रभु का आशीर्वाद लें। मनोज कटवाल जी, हरीश रावत जी, अनूप सिंह असवाल जी, परमादनीय आशीष देव पांडे जी, राधा कृष्ण का स्वागत एवं झूला झुला सकते हैं। राधा कृष्ण को कितने भी भक्त आना चाहते तो आप लोग कुछ व्यवस्था करें, साथ में झूला झुलाएं, कोई भी आ सकता है, कोई भी लोग आना चाहते हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं। यहाँ पर आए हुए हैं ये पैराडाइज पब्लिक स्कूल में, मैं आप सबका यहाँ पर हृदय से स्वागत। कृष्ण जन्माष्टमी इस महापर्व के अवसर पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई पद्मेंद्र असवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथी मनोज खड़कवाल जी जो कि पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रबंधक अंदरूली शिषपाल रावत जी हमारे बीच में उपस्थित, हमारे इंटर कॉलेज अदाली खाल के प्रधानाचार्य अपने यहां पर उपस्थित हैं, और हरीश रावत जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनूप असवाल जी हमारे साथी, शिक्षक चौहान जी और कालिंका स्कूल हाईस्कूल के प्रधानाचार्य मनोहर सिंह रावत जी और तमाम उपस्थित हमारे यहाँ विद्यालय परिवार, विद्यालय प्रबंधन समिति, आदरणीय प्रधानाचार्य जी यहाँ पर उपस्थित, हमारा माताएं बहनें और बुद्धिजीवी जन, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको इस
महापर्व जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान श्री कृष्ण से यही कामना है कि वे हम सब पर, हमारे बच्चों पर, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। निश्चित रूप से यहाँ पर तैयारी की गई है बच्चों की। मैं सभी अभिभावकों को, विद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस प्रकार की मेहनत आपने इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में की है, आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। बच्चों को देना चाहिए, इससे बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास संभव होता है। और मैं समझता हूँ कि आपका जो विद्यालय है, निश्चित रूप से हमारे पूरे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा देता आया है। और मुझे याद है कि जब हमारे ब्लॉक स्तरीय खेल होते थे तो हमें इन बच्चों से रूबरू होने का मौका मिलता था। और जब जिले में या ब्लॉक में पार्टिसिपेट इस विद्यालय के बच्चे करते थे तो इनकी मेहनत के कारण हम जिले में भी प्रथम आए हैं। जिले की जो क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है उसमें एक बार प्रथम आए हैं, दूसरी बार सेकंड, तीसरी बार तृतीय। तो बहुत अच्छे बच्चे इस विद्यालय से तैयार होते रहे हैं। तो मैं यही कामना करता हूँ कि हमारे जो विद्यालय परिवार है, प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय का जो स्टाफ है, वो भी, उनको भी शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार से आप यहाँ के नौनिहाले को, जो कि हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य, हमारे क्षेत्र का भविष्य है, उसको तैयार करते रहेंगे। और निश्चित रूप से जो है हमारे ये बच्चे अपने अपने क्षेत्र में, अपने जो अपना इनका कर्तव्य है उसमें आगे बढ़ेंगे और एक दिन इस समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश में, हमारा और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। एक बार पुनः आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यही कामना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है हम सभी पर, इन बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और ये बच्चे हर हमेशा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षेत्र में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का, इस देश का, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समाज शोर भी है, लगातार समाज के चिंतन में लगे स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरा सुपर स्टार, सूरज चांद सितारे गाते, सूरज चांद सितारे गाते, नंद लाला की जय जयकार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरा सुपर स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरा सुपर स्टार, सूरज चांद सितारे गाते, सूरज देव के नंदन तुमको वंदन रखते सबकीला। आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भगवान के संपूर्ण अवतार के रूप में जाने जाने वाले ऐसे श्याम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के मुख्य अतिथि जो यहां पर थे, श्री कमलेश कंडारी जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथि, विशिष्ट अतिथि महोदय, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हरेंद्र सिंह नेगी जी, विद्यालय के अध्यक्ष श्री पद्मेन सिंह असवाल जी एवं यहां पर उपस्थित समस्त माताएं, बहनें, बच्चों एवं मेरे साथियों, आपने
इतनी बड़ी बात बोलकर मुझे मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप लोगों का सदा आभारी एवं ऋणी रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, यहां पर मैं केवल आप लोगों से दो बात ही कहना चाहूंगा कि हमने अक्सर हमारे मन में जो भगवान श्री कृष्ण की मूरत है, हमारी माताएं बहनें ज्यादा जानती हैं कि हम कान्हा के रूप में कहते हैं, कान्हा मेरे ऐसे, कान्हा मेरे तैसे, कृष्ण मेरे ऐसे, कृष्ण मेरे वैसे, एक बच्चे के रूप में हमने ज्यादा माना है। और खासकर आज की स्थिति में हम हमेशा ये कहते हैं कि आप बहुत सारी कथाओं में भी जाते होंगे, और मैं इस मंच के माध्यम से उन कथाकारों को अवश्य बोलना चाहूंगा कि आप जब मंच से भगवान श्री कृष्ण की गाथाओं का वर्णन करते हैं तो केवल रोते रोते वही गाथा का वर्णन नहीं कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जसोदा माता से ऐसे कहा, तो रोने लग गए, ये लग गए, वो लग गए। नहीं, आज के समाज में आवश्यकता है कि आप उस भगवान श्री कृष्ण के चक्रधारी रूप का वर्णन अवश्य करें जिसने समाज को बचाया था, समाज की रक्षा करी थी। हमारे पास दो मूर्त हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। जहां भगवान राम ने मनुष्यों के कर्तव्य का पूरा निर्वहन किया और मानवता को आगे बढ़ाया, तो भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए समस्त मानवों को एक रूप में अपना दर्शन दिखाया। जहां भगवान राम राजा के रूप में जाने जाते थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण राजनीति के रूप में जाने जाते हैं। जहां भगवान राम रण के रूप में जाने जाते थे, तो भगवान श्री कृष्ण रणनीति के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मनोहर रूप हम सभी को अपना आशीर्वाद दे। और मैं यही कहूंगा, हमारी जो यहां पर छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यही बाद में आकर हमारी स्कूल में अपना मंच में प्रदर्शन करते हैं। तो ये बीज है, ये बीज यहाँ पर अंकुरित हो रहा है, वो हमारे विद्यालय में आकर एक वृक्ष बनता है और जो कि हमें ही छाया प्रदान करता है। धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो बच्चे, और धन्य है वो गुरुजन जो यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन को करते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, मैं परसों ये अपने स्कूल में कुछ बच्चों से पूछ रहा था कि बेटा जन्माष्टमी का मतलब क्या है, क्यों जन्माष्टमी कहा गया है, जन्म नवमी क्यों नहीं कहा गया है, या राम नवमी क्यों कहा जाता है। तो भाद्रपद की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी बोला गया है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के समय तमाम बाधाओं, तमाम कारागारों को तोड़ते हुए अपने पथ पर अग्रसर हुए, उसी प्रकार हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हम अपने मन मस्तिष्क में बसे हुए अंधकारों को, अज्ञान को तोड़ते हुए आगे के सफल रास्तों पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आगे पीछे तेरे घूमू जैसे फूल पे करती मक्खी बिना बिन सरा तू हाथ उठा के कमला के संग नखे डाल मारा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्रधान जी का। आप जैसे लोग जब ऐसे कार्य करूं मैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। माय सेल्फ धनवी चौहान फ्रॉम क्लास फोर्थ, आई वेलकम यू ऑल इन द पैराडाइज पब्लिक स्कूल अदाली खाल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेप्यूटेड टीचर्स प्रेजेंटेड हियर, ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वी ऑल नो दैट आवर कंट्री इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। One of them, Krishna Janmashtami, is our religious festival. It comes after 8 days of Raksha Bandhan. We celebrate this festival every year in our festival every year in our school with a great joy. Krishna was the eighth son of Devaki and Vasudeva.
Lord Krishna was the king of Dwarikapuri. He loved the Gokul village. He spent his childhood in Gokul. He used to play with his friends with the cows and calves. Krishna liked to eat butter and curd. He gave Gita Gyan to the world, so we should worship the Lord Krishna daily. Thank you. Jai Shri Krishna. Janmashtami ki hardik shubhkamnaye. Jai Shri Krishna. Jor se boliye hai abhi aap. Aur jor se boliye zara. Jai Shri Krishna. अंगर वाले बाल तोरे अंगर वाले बाल तू छटका सरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक तूने गिरधारी गोकुल के रजकण सितारों से चमके धरती पे स्वर्ग जैसे आया रही है रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे तेरा गुलाबी कोई चूना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी सौभाग्यशाली होते हैं माँ बाप जिनके बच्चे मंच में प्रतिभा करते हैं उनके सामने दही हांडी कार्यक्रम तो बने रहे सभी भक्त और अंत में प्रसाद जरूर ग्रहण करें एक बार जोरदार तालियां जो प्रथम द्वितीय और तृतीय आए थे सभी बच्चों ने बढ़िया प्रतिभा किया था जखियों दी हवा सरारा पांच लाख डूंगा सुखा भरा ठंडो मिठो पानी धारा वखी मच गया शोर छाड़ी नगरी रे छाड़ी नगरी रे Nacho, 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 Nac
दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय दोस्तों।